ऐसे संसार में जहाँ भौतिकवाद अपने चरम पर है, जहाँ इंद्रिय आवश्यकताओं की पूर्ति में बुद्धि उलझी हुई है, स्वयं सिद्धों एवं सार्वभौमिक सत्यों में संदेह के द्वार खोल दिए गए हैं, नास्तिकता की लहरें इस्लामी दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देने लगी हैं, ये लोग अपने पुराने प्रोपेगेंडा वाले प्रश्नों को दोहराते हुए मुस्लिम युवाओं को निशाना बना रहे हैं कि क्या अल्लाह मौजूद है, जबकि अल्लाह ताला का अस्तित्व एवं उसका अपनी रचना का पालनहार होना पूर्ण रूपेण स्पष्ट है, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। शरीर एवं ब्रह्मांडीय निशानियां उसके अस्तित्व के स्पष्ट प्रमाण है। नैसर्गिक रूप से प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत तौर पर अल्लाह का मोहताज होना अल्लाह ताला के वजूद की महत्वपूर्ण दलील है। इस मोहताजी का अनुभव उस समय और अधिक तीव्रता के साथ होता है जब मनुष्य किसी आपदा और संकट में फंसता है, तथा मनुष्य ऐसे समय में इस बात के लिए विवश हो जाता है कि वो अल्लाह ताला की ओर पलटे, उससे दुआ करे और फरियाद करे। अल्लाह ताला का फरमान है, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا। और जब सागर में तुम पर कोई आपदा आ पड़ती है तो अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो खो जाते अर्थात भूल जाते हो, और जब तुम्हें बचाकर थल तक पहुंचा देता है तो तुम मुख फेर लेते हो, और मनुष्य है ही अति कृतघ्न। स्वस्थ मन स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई निर्माता अवश्य होता है, तथा प्रत्येक घटना को अंजाम देने वाला कोई न कोई जरूर होता है। अतः खालिक अर्थात अल्लाह के बिना कोई मखलूक अर्थात प्राणी अस्तित्व में नहीं आ सकती, तथा बिना घटना को अंजाम देने वाले के कुछ घटित नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का फरमान है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून। अनुवाद, क्या वो पैदा हो गए हैं बिना किसी के पैदा किए, अथवा वो स्वयं पैदा करने वाले हैं, या उन्होंने ही उत्पत्ति की है आकाशों तथा धरती की, वास्तव में वो विश्वास ही नहीं रखते। निश्चित रूप से यहाँ दो बातें हो सकती हैं जिनके सिवा किसी तीसरी बात की कोई संभावना नहीं है, कि या तो यह अद्भुत सुदृढ़ एवं नियमित रचना किसी निर्माता के बिना बन गया है जो कि तर्क संगत रूप से असंभव है, या फिर यह कि मखलूकों अर्थात रचनाओं ने स्वयं अपने आप को पैदा किया है, तत्पश्चात उन्होंने ही इन आकाशों एवं पृथ्वी को बनाया है, और यह दूसरी बात पहली बात की तुलना में अधिक तर्कहीन एवं असंभव है। इसके अतिरिक्त किसी ने भी ऐसा कोई दावा नहीं किया है जिससे प्रमाणित हुआ कि इस ब्रह्मांड का कोई रचयिता है और वो अल्लाह ही है, और जो कोई आकाश और उसकी विशालता और उसमें सूरज चंद्रमा सितारों और ग्रहों के बारे में और इस महान खगोल इसकी प्रगति की नियमितता और इसके प्रवाह की सटीकता के विषय में दिन रात में पृथ्वी के सटीक प्रणाली में सोच विचार करेगा, और एक ही पानी से सैराब किए जा रहे इसके जीवों की विविधता और इसके जानवरों और पौधों की प्रजातियों की विभिन्नता के विषय में चिंतन मनन करेगा, इसके अनेक आकार रंग रूप समुद्र एवं इसमें लहरों का जो जखीरा है तथा आश्चर्यजनक जीवों के बारे में गौर करेगा, तो वो सृष्टिकर्ता अर्थात अल्लाह के अस्तित्व और उसकी विशाल एवं अंतहीन क्षमता के बारे में निश्चित रूप से विश्वास कर लेगा। ये सूरज चंद्रमा और तारे सभी उसकी आज्ञा के अधीन हैं। يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين। अनुवाद, वो रात्रि से दिन को ढक देता है, दिन उसके पीछे दौड़ता हुआ आ जाता है, सूर्य तथा चांद और तारे उसकी आज्ञा के अधीन है, सुन लो वही उत्पत्तिकार है और वही शासक वही अल्लाह अति शुभ संसार का पालनहार है। हर दिल की धड़कन प्रत्येक जीव की प्रकृति एवं इंद्रिय तथा बुद्धि सभी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महान तत्वदर्शी खालिक अर्थात पैदा करने वाला अल्लाह का अस्तित्व है जो इस ब्रह्मांड का उत्तम ढंग से प्रबंध कर रहा है। आश्चर्य है कि कैसे अल्लाह की अवज्ञा की जाती है और कैसे उसका इनकार किया जाता है। प्रत्येक शांति में प्रत्येक गति में अल्लाह के वजूद का स्पष्ट प्रमाण है, बल्कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु इस बात की गवाही दे रही है कि वो अल्लाह अकेला है।